नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। साल का पहला बुलेटिन और बुलेटिन को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। चलिए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक कविता लिखी है और ट्विटर पर उसे शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कविता का शीर्षक अभी तो सूरज उगा है दिया है और लोगों को एक नई आशा की किरण जगाई है कि कई मुश्किलों से गुजरने के बाद नई रोशनी सभी के जीवन में आती है। साथ ही साथ उन्होंने सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। नए साल के आगमन पर जम्मू में भी लोग माँ बावे वाली के मंदिर में माथा टेकते नजर आए और यहाँ पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, जो माँ के दर्शन कर नए साल की शुभकामनाएं लेने यहाँ पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर बेतार नदी पार कर इस पार पहुंचे एक नाबालिग लड़के को पुलिस और एलओजी के जवानों ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि हैदर अली, जिसकी की उम्र 15 वर्ष है, वो पीओके का रहने वाला है और गलती से इस तरफ आ गया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। कहाँ के रहने वाले? झेलम मेरे को। तो आप कैसे आए इंडिया में? ये रास्ता पता नहीं लगा, बोल के इधर आ गए। हाँ, कल शाम को एक हमारी एसओजी की पेट्रोलिंग पार्टी जो है, उसने चेकिंग और फ्रिस्किंग के दौरान जब ये बेताड़ ब्रिज के पास एक लड़के से पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान उसने जो अपनी आइडेंटिटी जो है वो हैदर अली के नाम से बताई, जिसकी उम्र कोई 14 साल के करीब है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। अभी तो यही बता रहा है कि वो मीरपुर पाकिस्तान में कोई अब्बास गांव है, वहीं का रहने वाला है और ये वहां से अपने घर से निकला और गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन साइड पे आ गया है। अभी उससे पूछताछ जो है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने 29 और 30 दिसंबर को श्रीनगर के एमएसटी इलाके में हुई मुठभेड़ में जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शवों को परिवार वालों को वापस करने के साथ ही इस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक आतंकी ठिकाने से गोला बारूद बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन को रियासी पुलिस और सेना ने अंजाम दिया। मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई जारी है। विक्रम चौक स्थित अमर सिंह क्लब में आज अचानक आग लग गई, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए हैं। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घायलों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया है। सर, धमाका ही सुना, हम रेस्टोरेंट में थे, धमाका सुना, धमाके से बोल आग जो आई अंदर रेस्टोरेंट में, आग ने रेस्टोरेंट में शीशे टूटने शुरू हो गए, पूरे शीशे, मुझे शीशे टूटने शुरू हो गए, फिर भागे। सर, आपके अलावा और भी कुछ लोग इंजर्ड हैं? 6 लोग हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 3 दिन के गंडोला फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ की लोकल कला को भी प्रोत्साहित करने की एक कोशिश की जा रही है। इस बात का लोकल कलाकारों ने भी स्वागत किया है। वेल, जिस तरह से 2020 गुजरे उसके बाद से इस तरह से शुरुआत हो रही है इस साल की, तो यकीनन सारे आर्टिस्टों को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक तरह से उनमें जान सी आ गई है कि एक तरह से काम शुरू हो गया है और परफॉर्मेंसेज हो रही हैं अच्छी अच्छी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और इवन कि मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया और ये अगर थ्रू आउट चलता रहे तो बेहतर रहेगा। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।